दोस्तों टेक्नो स्पार्क मोबाइल है जिसका चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है हमारे पास आया। इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको इसका चार्जिंग जैक किस तरह आसानी ट्रिक से हम चेंज करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों बैक पैनल उतारने के बाद इसका रिंगर बॉक्स जहाँ पर चार्जिंग से पीसीबी लगा होता है उस शील्ड को उतार दिया है। अब ओपनर के सहारे नेटवर्क वायर और इसका सब पीसीबी बाहर करेंगे। साथ ही इसका वाइब्रेटर मोटर लगा होता है जो आयरन के द्वारा इसके वाइब्रेटर मोटर के दोनों सोल्डिंग हटा देंगे। सोल्डिंग हटाने के बाद SMD के सहारे से हम इसका चार्जिंग जैक हीट करके हटाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में देख रहे हैं कि आप कितनी सरल तरीके से और कितनी फास्ट हम मोबाइल का जैक चेंज कर रहे हैं। तो जैक हमने हटा दिया और ब्रश से इसको क्लीन कर लेंगे। साथ में इसमें पेस्ट लगाने के बाद रिसोल्ड वायर से जो इसमें एक्स्ट्रा हमारा पेस्ट होता है तो उस पेस्ट को हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारा चार्जिंग कनेक्टर आसानी से फिट हो जाए। तो देख रहे हैं रिसोल्डिंग वायर से हम इसका सोल्डर हटा रहे हैं। साथ ही हम अब नया चार्जिंग जैक इसके लिए लाएंगे। ये बॉक्स से हमने नया चार्जिंग जैक उठा लिया है। इसकी साइडें जो चारों कोने हैं इसके वो रिसोल्ड करेंगे। साथ ही जो 5 प्रिंट इसके होते हैं 5 पॉइंट उनको हम रिसोल्ड करेंगे। रिसोल्ड करने के बाद सब PCB पे हम अपने इस कनेक्टर को लगाएंगे और हीट के सहारे SMD द्वारा इसको हम फिट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता ही रहा हूँ और जैक आपका फिट हो चुका है। तो जो 5 पॉइंट हमारे बैक साइड के थे आयरन के सहारे से हम रिसोल्ड करके द्वारा कर देंगे ताकि वो अच्छे से मजबूत हो जाए और जैक हमारा लंबे समय तक टिका रहे। अब वापस PCB को हम क्लीन करके पैक कर देंगे फ्रेम पे। डिस्प्ले पत्ता हमने लगा दिया है। नेटवर्क वायर और वाइब्रेटर मैटर के जो दोनों प्रिंट हटाए थे वो प्रिंट हम देन वापस लगा रहे हैं। रिसोल्डिंग के सहारे उसको अच्छे से रिसोल्ड कर देंगे ताकि वाइब्रेट मोटर प्रॉब्लम ना करें। फिट करने के बाद जो इसकी शील्ड के ऊपर से क्लिप हटाया था उसको हम वापस स्क्रू ड्राइवर के सहारे स्क्रू लगा रहे हैं। कंप्लीट फिट हो चुका है। लास्ट मोमेंट हमारा चल रहा है। ये बैक पैनल हमने इसका फिट कर दिया। दोस्तों चार्जिंग कनेक्ट कर दिया। देखिए हमारे मोबाइल की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।